में नहीं देखने को मिला। चंडीगढ़ नगर निगम की हर महीने होने वाली मीटिंग शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। निगम मेयर राजेश कालिया की तरफ से चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद चुने जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए सभी पार्षदों को बधाई दी गई। भाजपाई पार्षदों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। यहां पर बीजेपी पार्षद अपनी खुशी में सदन में मौजूद कांग्रेसी पार्षदों को भी मिठाई खिलाने लगे। किसी कांग्रेसी पार्षद ने मिठाई खाई तो किसी ने मुंह फेर लिया। निगम मीटिंग में कांग्रेसी पार्षद दिवेंद्र बबला की तरफ से शहर में विकास कार्य नहीं होने का मुद्दा उठाया गया। बबला बोले, भाजपाई मेयर विकास कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बबला ने आक्रोश जताते हुए कहा कि मेयर अगर काम नहीं कर सकते तो निगम को ताला लगा दो। बबला के समर्थन में कांग्रेसी पार्षद सतीश कैन, रविंदर कौर, गुरबख्श रावत और शीला देवी शामिल रहे। कांग्रेसियों ने चंडीगढ़ में विकास कार्य नहीं किए जाने को लेकर विरोध व्यक्त किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी नियमों का पालन ना करने वाले इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ मोहाली प्रशासन कड़े कदम उठाने जा रहा है। इसको लेकर अब फायर विभाग की टीम खुद फील्ड में निकल आई है और इंस्टीट्यूट्स को नोटिस थमाने शुरू कर दिए गए हैं। मोहाली फायर विभाग की टीम ने कई इंस्टीट्यूट का जायजा लिया और जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है उन संस्थानों को फिलहाल नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के तहत नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर फायर के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। यदि इंतजाम नहीं किए गए तो अगली कार्यवाही की जाएगी। सानू सरकार वालों ऑर्डर हुए ने भी जेडे इंस्टीट्यूट ने क्लासेस चल दिया ने, ट्यूशन क्लासेस चल दिया ने, उन्हों का चैक किया जाए तो उन्होंने इतलाह करके नोटिस दिता जाए। जे किसी दे नहीं है तो उन्होंने नोटिस दे रहे हैं, जे किसी दे हैगा सिस्टम लग्या वा उन्होंने अपडेट करने लिए कह रहे हैं। वहीं इस बारे में शहरवासियों का कहना है कि कारण है कि जड़ा ह्यूमन की लाइफ है ना जी, उत्ते वड्डी कोई चीज़ नहीं है और ये खलवाड़ सूरज जड़ा होया है ये कितने भी वापस सकता है, बाकी रब का भाड़ा है भी जिते भी वापस जाए। पर यह चीज़ा का सरकार जिन्ना मर्जी जोर ला ले, जब तक ये मिली भगत बंद नहीं ना होंगे बी घर जोड़े स्कूल चलते हैं या कॉलेज चलते हैं उन्होंने बड़े नैरो रस्ते ने, बच्चे तो घरद ने तो अपनी भेजे भी अगे जाएंगे तो सा ना रोशन करे, पर उत्थे जाके उन्होंने जोड़ा भाड़ा वरत जाए या कुछ हो जाए वह कौन जिम्मेवार है। वहीं इस मामले में मोहाली की डीसी गुरप्रीत कौर सपरा ने कहा कि जिन्हिया म्यूनसीपल कमेटियां मोहाली च ने कि वो अपना फायर सेफ्टी ऑडिट हर जगह का गवर्नमेंट बिल्डिंग्स प्राइवेट बिल्डिंग्स जिथे भी शॉपिंग कॉम्पलैक्सेज ने सिनेमाज ने जो भी है हर जगह ही वल्नरेबल हुंदी है वो फायर सेफ्टी ऑडिट कर लैन। 7 जून तक पैन रिपोर्ट मंगी है वो, उस तो बाद फिर जो भी एक्ट्स प्रेवलेंट ने पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी नूं ध्यान च रखते हुए एज जिला मैजिस्ट्रेट जो भी कोई ऑर्डर्स मैं पास कर सकती हाँ जिहड़े लीगली साउंड ने वह मैं कर दूंगी जिथे जिथे प्रॉब्लम एरियाज ने। नगर निगम की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग बढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 80 ऐसी नई रेड़ियां शुरू की गई थी जो कि शहर के घर घर में जाकर गीला और सूखा गार्बेज कलेक्ट करती हैं। लेकिन इस सारे गार्बेज की सेग्रीगेशन करने की बजाय एक ही जगह पर इकट्ठा करके उसमें केमिकल डालकर उसे नष्ट करने का काम किया जा रहा है। आइए देखिए इस पे हमारी एक खास रिपोर्ट। ब्रिस्टल एरिया फेज 8B में जो डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है वहाँ पर भी खाने के लिए पिट्स बनाई गई हैं, जहाँ पर शहर से इकट्ठा करके लाए गए गीले और सूखे गार्बेज को अलग करके सेग्रीगेट किया जाना था। लेकिन वहाँ पर पिट्स तो हैं, लेकिन उनका आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। बता दें कि फरवरी महीने में नगर निगम की हाउस बैठक के दौरान बताया गया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार 2016 की कंप्लायंस के लिए एक्शन प्लान लागू करवाया जाए। इसके लिए 100% डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन को पुख्ता किया जाए। इसके अलावा गार्बेज की सेग्रीगेशन 100% करवाई जाएगी। इन आदेशों को पूरा करने के लिए नगर निगम की ओर से लाखों रुपए खर्च करके शहर में 80 नई रेड़ियां मंगवाई गई थी और वो रेड़ियां लोगों के घरों में जाकर गीला और सूखा कूड़ा कलेक्ट करने का काम कर रही हैं।
हाउस बैठक के दौरान जब इस प्रस्ताव को लाया गया था तो उस समय भी कई पार्षदों ने निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। अब देखना ये होगा कि नगर निगम के अधिकारी कब खुद ये प्रण करेंगे कि इस काम की अच्छे से सुपरविजन हो सके। के बाद स्वागत है आपका ट्राई सिटी न्यूज में और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। प्रशासक के सलाहकार मनोज फरीदा ने पहली बार वीरवार को मीडिया से रूबरू होते हुए शहर में होने वाले विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। फरीदा ने जानकारी दी कि स्थानीय रेलवे स्टेशन को एक बड़े हब के रूप में विस्तार करने की योजना है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र को 500 एकड़ में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर बनाया जाएगा। नगर निगम के वित्तीय संकट पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि निगम को सोर्स जनरेट करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत सरकार का रेलवे कॉरपोरेशन बोर्ड ने रेलवे हब बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की 500 एकड़ भूमि 99 वर्ष के लिए लीज पर दी है। इस 500 एकड़ में आधुनिक सुविधा से लैस रेलवे क्षेत्र में कॉलोनी, होटल, मॉल, फ्लाईओवर शामिल होंगे जो चंडीगढ़ और पंचकुला को जोड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की देखरेख में होंगे। चंडीगढ़ का मैचिंग करते हुए एक नया स्मार्ट शहर बन रहा है चंडीगढ़ स्टेशन, और रेलवे की तरफ से डेवलप किया जाएगा और इसको पीएमओ मॉनिटर कर रहा है, इसलिए इसको प्रायोरिटी में काम होगा। उनको लैंड एक्वायर करने की कोई जरूरत नहीं, 500 एकड़ उनके पास है, 99 ईयर्स का लीज दे रहे हैं। 1/3 एरिया सिर्फ को डेवलप कर रहे हैं अभी, बाकी अभी भी क्लीन रहेगा। मोस्ट मॉडर्न स्टैंडर्ड का 5-star फैसिलिटी का जैसे आप अभी साइड। शहर में गर्मी का पारा चढ़ने के साथ साथ शहर के विभिन्न इलाकों में पानी की कमी भी शुरू हो गई है। सेक्टर 26 वाटर वर्क संबंधित पाइपलाइन टूट जाने से वीरवार को कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित हुई और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई क्षेत्रों में ऊपरी मंजिलों पर रह रहे लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इस बीच शहर के कई इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुजौली वाटर वर्क्स ने 29 MGD पानी की सप्लाई जल्द शुरू नहीं की तो गर्मियों में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। नगर निगम सूत्रों की माने तो सेक्टर 26 की पाइपलाइन टूटने से शहर के कई सेक्टरों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस पाइपलाइन को टूटे करीब 2 दिन हो गए, फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है। इस पाइपलाइन के टूटने से खासकर 19, 27, 28, 8, 7 एवं अन्य सेक्टरों में पानी की समस्या और बढ़ गई है। पानी की भारी किल्लत के बाद सेक्टरों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की गई, वहीं दूसरी ओर ऊपरी फ्लोर पर पानी नहीं पहुंचने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से पहले हर बार ये दावा किया जाता है कि इस बार पानी की किल्लत नहीं होगी, इसके बाद भी गर्मी आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। अब तक कई बार हो चुका है कि गर्मी महीने के दौरान अक्सर पाइपलाइनें फट जाती हैं। इसके साथ ही शहर में पानी की कमी से लोग परेशान हो जाते हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में बैठक की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल भी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकांश कमेटी के पदाधिकारी, CTCC के सदस्य, सभी 3 जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष मुख्य तौर पर उपस्थित थे। बैठक में राहुल गांधी द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफे को वापस लेने, वे आगे भी अध्यक्ष पद पर रहकर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुरोध किया है कि राहुल गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर बने रहें और कहा कि राहुल गांधी जिन्होंने पिछले 15 वर्षों में अपनी कड़ी मेहनत और सच्चे समर्पण से कांग्रेस की सेवा की है,
एक या दो चुनाव पार्टी की भविष्य की संभावनाओं के संकेत नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी के बाद लंबे समय तक इस देश के लोगों की सेवा की है। बरवाड़ा क्षेत्र के अलीपुर में माइक्रोन कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मैनेजमेंट है माइक्रोन कंपनी। बता दें कि फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की मांग के बाद कंपनी ने सभी कर्मचारियों के लिए गेट बंद कर दिया। वहीं कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों में उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, जिसके चलते कर्मचारियों की प्रशासन से मांग है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाए। बता दें कि लगभग 250 कर्मचारी ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। की थी जी, तब ने पैसे ले है जी, ज्वाइनिंग पे जी, जो सुनील है जी, पोली गांव से जी। अच्छा जी, अच्छा। तो ये अंतर ठेकेदार है जी। अच्छा, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले भी तंग कर रहे जी। हाँ, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? जो बाबा राम रहीम के साथ किया था पंचकूला में, यही आपके साथ हो गया। यहाँ पर लाठीचार्ज कर भी दी जाएगी। कौन सी थाना के पुलिस? ये रामगढ़ चौकी से आए थे जी। उनका कुछ नाम है पुलिस वाले का? जसवीर सिंह जी। उसने ये बात बोली जी, जो आपके साथ लेडीज है, इनके ऊपर भी डंडा घूमने का रहा, तुम्हारे साथ घूम गया। ये बोल रहा, ठीक है ठीक है, चमका के जरिए जी बनते हुए यहाँ बैठे। हमारे ऊपर लेडीज को छेड़ने का नजायज केस बनाने की धमकी देते हैं। अच्छा, और बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, 1000 मीटर दूर बैठना है, और कानून की तरफ से नोटिस लेके आते हैं। स्वागत है आपका ट्राई सिटी न्यूज में, और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आने वाले 3 सालों के दौरान शहरवासियों को बिजली के बिल में थोड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि बिजली विभाग शहर के लोगों को 40 करोड़ लुटाएगा। बता दें कि एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट के ब्याज पर ये राशि लौटाई जाएगी। एक तरफ जहां इस साल ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली की दरें ना बढ़ाने के यूटी के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के प्रपोजल को स्वीकार लिया है, वहीं दूसरी ओर निर्देश भी डाल दिए गए हैं कि आने वाले 3 सालों के दौरान एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट का भुगतान कंज्यूमर को किया जाएगा। इसका फायदा शहर के सभी 9 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले लाखों कंज्यूमर्स को मिलेगा। शहर में सबसे अधिक डोमेस्टिक कैटेगरी के कंज्यूमर्स हैं। जानकारी के अनुसार साल 2019-20 से साल 2021-22 तक डिपार्टमेंट को लगभग 40 करोड़ रुपए कंज्यूमर को लौटाना होगा। JERC द्वारा हाल ही में अप्रूव किए गए मल्टी ईयर टैरिफ पिटीशन में ये राशि लौटाने का फैसला लिया है। इनमें से वित्त वर्ष 2019-20 में 12.69 करोड़, साल 2020-21 में 13.19 करोड़ और साल 21-22 में 13.69 करोड़ रुपए ACD चार्ज के ब्याज के तौर पर कंज्यूमर्स को देने पर मंजूरी दी गई है। JERC के नियमों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड बैंक रेट के हिसाब से ब्याज देना होगा। चंडीगढ़ सेक्टर 35 के प्राचीन कला केंद्र में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान 3 से 18 जून तक आयोजित होने वाले कार्यशाला के बारे में जानकारी साझा की गयी। प्राचीन कला केंद्र एवं स्टार इमेज फिल्म्स के सौजन्य से 15 दिन की एक एक्टिंग कार्यशाला आयोजित होने जा रही है, जिसमें गर्मी की छुट्टियों को मनोरंजक बनाने के लिए मुंबई से आई थिएटर कलाकार एवं एक्टर संजय गजरिया द्वारा इस कार्यशाला का संचालन किया जाएगा। सेक्टर 35 स्थित परिसर में 3 से 18 जून तक इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला को सोमवार से शुक्रवार 10 से 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। संजय गजरिया ने बहुत से हिंदी नाटकों में काम किया है, और इन गर्मी की छुट्टियों का इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता कि बच्चे मस्ती के साथ साथ जीवन के कुछ अनदेखे पहलुओं को जानें, और यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है। गर्मी का कहर सिटी ब्यूटीफुल में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वीरवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रुक रुक कर लू भी चलती रही। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले 3 से 4 दिन तक गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं है। शनिवार को तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। इन दिनों वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव नहीं हो रहा, इस वजह से राहत की कोई उम्मीद अभी नहीं दिखाई दे रही। बता दें कि 2 दिन पहले रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अब इसके बढ़ने की संभावना तेज हो गई है। बुधवार रात का तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अब अगले 3 दिन तक रात के तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। वहीं रात का तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। गर्मी से राहत पाने के लिए बच्चे स्विमिंग पूल में पानी से खेलते हुए नजर आए। ट्राई सिटी बुलेटिन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।